आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई भिंडी दो प्याज़ा, और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है और एकदम डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी। और अगर आप भिंडी की भुजिया खा खा के बोर हो गए हों तो एक बार ये भिंडी मलाई भिंडी आप बनाइए तो आप भिंडी की भुजिया खाना भूल जाएंगे। यही भिंडी आप बना के हमेशा खाएंगे, इतनी टेस्टी लगेगी आपको। मलाई भिंडी को आप कभी भी बना के खा सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो भी बना सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और तो चलिए, पूरी के साथ, पराठे के साथ, सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी आसान है। और तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने मलाई भिंडी को बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, पुष्पलता किचन 15 है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। मलाई भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भिंडी को लिया था। भिंडी को मैंने धो के साफ़ करके और अच्छे से कपड़े से सुखा लिया है। उसके बाद हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम सारी भिंडी को डाल के और हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तो ही हमारा जो ये एक लिसलिसापन होता है भिंडी के अंदर वो चला जाएगा। अच्छे से कलर आने तक हमको भिंडी को फ्राई करना है और अलग अलग हो जाए भिंडी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है, काफ़ी 80% तक कुक हो गई है, ये देखिए रेडी हो गई है। चलिए तो नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो अभी हमने लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, और जीरा डालने का जो हमने अनियन है उसको बड़ा बड़ा पीस में कट कर लिया है, और चाहे तो आप इसके छल्ले भी निकाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अच्छे से थोड़े बड़े बड़े अनियन लिए हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा इसमें आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और ये स्टील की थोड़ी कढ़ाई है तो इसमें बहुत जल्दी से लाल हो जाती है ऑनियन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पे भून गया है, बहुत अधिक ऐसे नहीं करना है। अब हम यहाँ पे टोमेटो को डाल दिए हैं कट करके, आप चाहें तो यहाँ पे कट करके भी डाल सकते हैं और ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कट करके डाला है, आप ऑप्शनल है, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और तब तक के लिए जब तक कि हमारा ये टोमेटो थोड़े गल नहीं जाए। अब हमने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और यहाँ पे जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये हम इसके अंदर डाल देंगे, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, यहाँ हमें तब तक भूनना है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे साल्ट भी डाल दूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए। तो इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे और इसे हम कवर करके पका लेंगे थोड़ी देर, और गैस हम कम करके रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी जैसा छोड़ दिया है, टमाटर और गल भी गए हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा जो टोमेटो थोड़ा बड़ा दिख रहा है उसको हम इस तरह से मैश कर देंगे। उसके बाद थोड़ी देर और कवर कर लेंगे, एक दो मिनट, और एक दो मिनट हम कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम कम कर देंगे यहाँ पे। अब हमने ये लिया है मलाई, ये घर की मलाई है, इसको हम फेंट लेंगे अच्छे से इस तरह से फोर्क की हेल्प से, और इसमें जो मलाई है उसकी गुठलियाँ नहीं हो। और अब हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप, अच्छे से टोमेटो और अच्छे से गल चुका है। अब हम यहाँ पे जो गैस को एकदम कम कर देंगे, और यहाँ पे जो मैंने भिंडी लिया है वो भिंडी काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी है, अब उसके अंदर मैं डाल दूंगी और थोड़ी देर यहाँ पे हमें चला लूँगी। अब हमने जो मलाई ली है वो मलाई मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, यहाँ इस स्टेज पे मलाई ऐड करना है, गैस सिम रखना है और हम इसे एक बार अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे। तो एक दो मिनट के बाद फिर हम ओपन करेंगे और फिर से हम इसे चला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है, और यहाँ पे इस स्टेज पे हम नमक ऐड करेंगे, और क्योंकि अच्छे से मलाई मिक्स हो चुकी है तब हम नमक डालेंगे, और नमक हमने थोड़ा पहले भी डाला था इसलिए हम अंदाज से उसी हिसाब से ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हमारी गैस एकदम कम होनी चाहिए क्योंकि हमने मलाई डाली है, नहीं तेज गैस होगी तो फट सकती है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे एक दो मिनट के लिए और पकने देंगे इसको, उसके बाद मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल सेपरेट होने लगा है, देखिए यहाँ पे आप चाहें तो अलग से भी ऑनियन को फ्राई करके ऊपर से भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है।
आप चाहे तो कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो भिंडी है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाफ स्पून गरम मसाला ऐड किया है, और इसको डालने के बाद हम एक बार फिर से इसको कवर करेंगे, और उसके बाद ताकि मसाले अच्छे से हो जाए, तो यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया है। तो अभी एक बार मैं फिर से इसको कवर कर लूँगी और फिर से मैं अच्छे से पकने दूँगी। तो अब मेरी भिंडी एकदम रेडी हो गई है, मलाई भिंडी रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मलाई भिंडी को सर्व कर लिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर टेक्सचर और आया है, और ये भिंडी एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। और इसको आप पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, गेस्ट आने पर भी बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। और मलाई भिंडी बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और मेरी वीडियो डेली आती है तो आप लोग मिस ना किया करें, और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक।